इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल दशमलव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं ललित कुमार। डिप्रेशन से किस तरह से बचा जा सकता है, इस विषय से संबंधित मेरी ये जो सीरीज़ है, ये वीडियो उसका दूसरा हिस्सा है। पिछले हिस्से में मैंने बात की थी कि क्यों पॉजिटिव लोगों को, सकारात्मक लोगों को अपने निकट रखना, अपने आसपास रखना बहुत ज़रूरी होता है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप अपने दिन की शुरुआत किस तरह से करते हैं, इस बात का भी आपके मूड के ऊपर और आपके डिप्रेशन के लेवल के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। अगर आप ये मानते हैं कि आपको माइल्ड डिप्रेशन है या आप लो मूड से गुजर रहे हैं, तो उसके लिए ये जो सीरीज़ है मेरी, इसके सारे वीडियोस देखिए और उन सभी को धीरे धीरे करके अपने जीवन में उतारिए, उसके ऊपर अमल कीजिए। दिन की जो शुरुआत है वो आप सभी जानते हैं कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, लेकिन क्या हम दिन की सही शुरुआत करना जानते हैं? बहुत सारे लोग जब सुबह उठते हैं तो सबका अपना अपना एक रूटीन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि 2 गिलास पानी पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि तांबे के बर्तन से पानी पीना चाहिए, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे रूटीन अपनी जगह हैं, लेकिन मन का क्या? तो जो शरीर की बातें हैं वो अपनी जगह, सबके अपने अपने विश्वास होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन मन के बारे में हम क्या करें सुबह उठते ही। मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले मेरे मन में एक ख्याल आता है कि आज दिन कौन सा है। अक्सर मैं रात को सोते सोते इतनी गहरी नींद में सो जाता हूँ कि जब सुबह उठता हूँ तो मैं ये भूल जाता हूँ कि आज दिन कौन सा है। तो जब मैं उठता हूँ तो सबसे पहला ख्याल मेरे दिमाग में ये आता है कि आज कौन सा दिन है। फिर जाहिर है कि जब दिन याद आ जाता है तो फिर ये पता, दिमाग ये खोजना शुरू करता है कि क्या आज ऑफिस जाना है या नहीं जाना है, और उसके बाद सारा दिन जो है वो जहन के अंदर प्लान होने लगता है। ये हम सबको करना चाहिए। जैसे ही आप सुबह उठें तो सबसे पहले अपने दिन का पर्पज़ तय करें। अगर हमारा दिन, हमारे दिन की शुरुआत एक पर्पज़ के साथ होगी, हमें पता होगा सुबह उठते ही कि आज के दिन का ये उद्देश्य है, आज मुझे ये काम पूरे करने हैं, और ऐसे काम जिसके प्रति आप बहुत एंथुसियास्टिक हैं, आप उसके लिए बहुत उत्साहित हैं, तो जैसे ही सुबह सुबह आपको काम याद आएंगे, उसकी प्लानिंग मन में चलेगी, तो आपका जो वही मोमेंट, वही क्षण उत्साह से भर जाएगा। आपका मन करने लगेगा कि जल्दी से उठा जाए और इन कामों को पूरा किया जाए। तो एक तो ये चीज़ है कि सुबह उठकर अपने दिन का एक पर्पज़ तय कीजिए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सुबह उठने के बाद अगर आप आसानी से बेड से निकलने वालों में से हैं, यानी आपको सुबह उठकर बेड से निकलने में ज़्यादा समस्या नहीं होती, तो बेस्ट है कि आप बेड से निकलें, अपने बेड को ठीक करें और उसके बाद कमरे से बाहर निकल के खुली हवा में बैठ के इस बारे में विचार करें कि आपको दिन के दौरान करना क्या है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो आसानी से बेड से नहीं निकल पाते, तो उस स्थिति में आप ये कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट बैठ जाइए, लेटे ना रहें, बैठ जाइए। कमर को आप दीवार के सहारे लगा सकते हैं, अपने पलंग का जो तकिया होता है उसके सहारे लगा सकते हैं, आराम से बैठें और फिर इसके बारे में विचार करें। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है अपने आप को ये बताना कि आज आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। और इस जब आप अपने आप को ये बताते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, तो इसका एक असर पड़ता है। जब आप अपने मन के अंदर ये चीज़ लाते हैं कि दिन अच्छा गुजरेगा, तो इसका असर पड़ता है। आप मे बी ये कहेंगे कि हमारे मान लेने से कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं हो जाती, पर आप ऐसा करके देखिए। आप रोज़ाना अपने मन में ये ख्याल लेकर आइए कि हाँ, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है, आज मैं बहुत खुश रहूँगा। तो जब आप अपने मन के अंदर इस तरह के विचार लाते हैं, तो उस समय आपका मन पॉजिटिव होता है,
और वो चीज़ जो है सारा दिन खींचती चली जाती है और आपके दिन को प्रभावित करती है। तो सुबह सुबह जैसे विचार अपने मन में आप लाएंगे, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने वर्तमान के बारे में, अपनी परिस्थिति के बारे में, आप जैसा सोचेंगे आपका मूड वैसा ही बनेगा। जब कभी आप सुबह सुबह खराब मूड के साथ उठते हैं, मान लीजिए आपने रात को कोई बुरा सपना देखा हो, या आप उठे लेकिन देर से उठे और अब ऑफिस जाने के लिए आप लेट हो रहे हैं, तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं जो हमारे मूड को नेगेटिवली प्रभावित करती हैं, आप पाएंगे कि जब आपका सुबह सुबह मूड ख़राब होगा तो पूरा दिन के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो क्यों ना हम अपने दिन की शुरुआत ही पॉजिटिव करें और अपने आप को ये बताएं कि हाँ, आज सब कुछ अच्छा है, आज का दिन बहुत सुंदर है और आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। आप जब इसको पहली बार करेंगे तो मे बी आपको इसका उतना असर ना पता लगे, लेकिन अगर आप इसको अपनी एक आदत बना लें तो आप पाएंगे कि कुछ ही दिन के बाद ये चीज़ वास्तव में आपको एक पॉजिटिव मूड में लेकर जाती है, आपके मूड को उठाती है, बेहतर बनाती है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा आप जिस तरह का संगीत सुनना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग सुबह सुबह भक्ति संगीत सुनना शुरू चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग जो सुबह बजने वाले राग होते हैं उनको सुनना चाहते हैं। जैसा भी आप आपका मन करे, ऐसा संगीत जो शांत हो, सुबह के लिए उचित हो, उस संगीत को आप सुने। और अगर भक्ति संगीत आप सुनते हैं तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके मन को शांत करता है। भक्ति संगीत सुनते वक्त या कोई भी संगीत सुनते वक्त आप केवल उससे जो आपको शांति हासिल हो रही है केवल उसके ऊपर फोकस ना करें, बल्कि बार बार अपने आप को ये विश्वास दिलाएं कि हाँ, सब कुछ अच्छा है। ये जो शांति आपको फील हो रही है ये केवल इस मोमेंट के लिए नहीं है, बल्कि सब कुछ ऐसा ही है, शांत है, सब अच्छा है, सब कंट्रोल में है, और जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उनको कंट्रोल में लाने के लिए आपके पास एक प्लान है और उस प्लान पर काम करने के लिए आप एकदम तैयार हैं। तो सुबह की जो शुरुआत है वो आपके मूड और आपकी जो माइल्ड डिप्रेशन की अगर आपको स्थिति है, समस्या है, तो उसमें आपके लिए सुबह की शुरुआत काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकती है। तो आप इस चीज़ को अपने जीवन में उतारिए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जिसमें मैं आपको एक और टिप दूंगा कि किस तरह आप अपने जनरल मूड को बेहतर बना सकते हैं। ये बात समझ लीजिए कि ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किया पहली बार ऐसा कुछ सोचा और चीज़ हो जाएगी। ये एक प्रैक्टिस का मामला होता है, आपको इसको अपने जीवन में उतारना होता है। और यही वजह है कि मैं ये सारी टिप्स को अलग अलग वीडियोस में दे रहा हूँ, ताकि आपको समय मिलता रहे पिछले वीडियो पर काम करने का। तो इस वीडियो की कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपने क्या किया और उसके क्या नतीजे आए। मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।